हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सिलेंडर हेड वाल्व को जो है हम लोग कैसे क्लीन करते हैं। ये देखिए, पहले हम उस पर पेस्ट लगा देते हैं। पेस्ट लगाने के बाद ही जो है इस वाल्व को जो है रोटेट करते हैं, और इसमें पीछे एक टूल रहता है जैसे ग्राइंडिंग मशीन होता है, उसी तरह से उसमें टच करके इसको वाल्व को जो है पूरा का पूरा जो है हम उसको रोटेट करते हैं, ताकि जो भी क्लीनिंग होना हो एक सही पोजीशन पे जो है क्लीन हो जाए। तो इस तरह से जो है हम लोग सिलेंडर हेड वाल्व को जो है क्लीन करते हैं। ये देखिए, ये फिर से हम उसको रिवाइंड करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह से पहले वाल्व को रोटेट करके जो है हम उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद जो है इसको देखिए, फिर वाल्व को निकालने के बाद जो है इसके सरफेस को क्लीन करने के बाद जो है वाल्व को आगे पीछे करके जो है हम लोग चेक कर लेते हैं कि उससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारा वाल्व सीट पे जहाँ पर वाल्व बैठता है वो क्लीन हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो अपने दोस्तों फ्रेंडों और टेक्नीशियन को भी इसको शेयर।